गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पतीन पंचयितान संस्मरण नित्यम वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्रीमद् गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के जो भी सदस्यगण हैं, चाहे वो प्रचार प्रसार मीडिया से संबंधित हों या शास्त्रीय अवलोकन से संबंधित या वक्तृत्व देने से संबंधित आचार्य आदिगण हों, सभी का ये कहना है कि ये जो प्रकल्प जिस आधार पर और जिस उद्देश्य से और जितना हम इसमें सब लोग मेहनत करके, निस्वार्थ रूप से मेहनत करके इस कार्य को कर रहे हैं, उतना इसका प्रतिफल माने लोग इससे उतना लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं जितना कि हम सबका उद्देश्य था और है भी। हमारा उद्देश्य तो चलता रहेगा, ये लोग सब लोग बड़े दृढ़ हैं जो कि इसमें लगे हुए हैं, तो हम सब आप सभी को ये लाभ देना चाहते हैं कि वर्तमान में भारत की प्रजा जो विभिन्न प्रकार के धर्माभासों के प्रति आकृष्ट हो रही है ना, लोगों को लगता है कि जो धर्म ही नहीं है, हमारे जो शंकराचार्य महोदय बार बार कहते हैं कि ये मुस्लिम कोई धर्म थोड़ी है, धर्म तो हमारा है जो कि केवल सनातनियों के साथ जुड़ना चाहिए, केवल सनातन धर्म है वो, तो जो भी है उनका वो उस रूप में उस भाषा का जो शब्द है वो अपना जोड़े, धर्म न जोड़े। लेकिन लोगों ने धर्म जोड़ रखा है और हिंदू लोग भी भटक करके उनकी बातों को सुनते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है। कुछ सनातन धर्म के नाम पर भी जो सनातन धर्म के द्वेषी हैं, वास्तविक जो सनातन वर्णाश्रम धर्म है उसका छेदन करने वाले, जैसे कि आप समझें कि ये इस्कॉन वाले हैं, आर्य समाजी हैं, गायत्री परिवार वाले हैं, बहुत से लोग हैं जो कि ये सनातन धर्म की वास्तविक धारा से हट करके मनमानेपन को जोड़ करके दो चार धर्म की बातों को छल रूप में ले करके और व्यक्त करते हैं, लोगों का सरल सुगम देख करके बड़ा उन पर आकृष्ट हो जाते हैं, आकर्षण हो जाता है और वे उनकी बातों को मान लेते हैं। तो ये हमारा जो प्रकल्प है इसमें जो है हम लोग कई आचार्य लोग हैं जो कि शास्त्रों का अवलोकन करके, शास्त्र के प्रमाण को तथा शास्त्र में लिखे हुए पृष्ठों को बतला करके कि यहाँ ये बात लिखी हुई है और लोगों की जिज्ञासाओं का शमन करते हैं। तो टेलीग्राम ऐप पर हमारा एक समूह ही है जिसका नाम है जिज्ञासा समाधान समूह, है ना, जो कि जगत गुरु शंकराचार्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का ही नाम से है और उसका ये एक अंग है। इसकी लिंक वीडियो में दे दी जाएगी जिस तरीके से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो आप सभी से ये निवेदन है कि आप स्वयं जो सुने वो इससे जुड़ें और अपने इष्ट मित्रों को भी इस समूह से जोड़ें, ताकि देखिए कि ये जो वीडियो बना करके हम आपको उत्तर देते हैं तो जो प्रश्न ऐसे हैं जिनको हम लोग समझते हैं कि ये जन सामान्य हैं, सब इससे लाभान्वित हो सकते हैं और यहाँ से बनाने में जितनी हमारी समय की शक्ति की या इस सब की एक सीमा है उसके अंतर्गत होता है, तो उतने उत्तर यहाँ ये चलचित्र बना करके प्रेषित किए जाते हैं। अन्यथा टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ जो लोगों के प्रश्न होते हैं व्यक्तिगत होते हैं, कुछ संस्कारों से संबंधित होते हैं, धर्मशास्त्र से संबंधित होते हैं, कर्मकांड से संबंधित होते हैं, भक्ति से संबंधित होते हैं, है ना, ज्ञान वैराग्य इत्यादि से संबंधित होते हैं, तो उन प्रश्नों को कुछ को तो बोल करके ही वाणी रूप में और उत्तर प्रेषित कर दिया जाता है, जिससे वहाँ मैं समझता हूँ लगभग 2 दर्जन के करीब उत्तर दिए जाते हैं, ऐसे 25 से 50 के बीच में
25 से 50 के बीच में प्रतिदिन प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं टेलीग्राम पर, और वीडियो लगभग एक दो बन पाती है, तो वहाँ प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त होते हैं। इस दृष्टि से कुछ लोग जो जुड़ेंगे तो वे अपने प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने का नियम वहाँ है कि अपना वर्ण जाति इत्यादि का और आश्रम का उल्लेख करते हुए जिला नाम इत्यादि, अपना परिचय शाखा इत्यादि का परिचय देते हुए और अपने प्रश्न को बहुत ज़्यादा विस्तार न करते हुए आप लिखें, तो उसका शास्त्र के अनुसार प्रमाण देते हुए संतोषजनक उत्तर दिया जाता है। तो इसलिए हम आप सभी से ये अनुरोध करते हैं कि आप भी हमारी तरह लोगों का आह्वान करिए और लोगों को इसमें जोड़िए, ताकि वे अपने वर्ण आश्रम धर्म में सत्य सनातन धर्म में दृढ़ रह सकें और जीवन में सत्यता आचार और धर्मपरायणता ला सकें और वे अपना कल्याण कर सकें। बात यह है कि सनातन धर्म की स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि थोड़ा सा भी शुद्ध वैदिक सनातन धर्म जो कि निश्चल भाव से अगर किया जाता है तो थोड़े से ही धर्म से कल्याण संभव है। इस दृष्टि से यदि किसी ने जो है किसी के माध्यम से यदि कुछ भी सीख लिया तो वो सब प्राप्त होता है, उनका कल्याण होता है, और संसार में वे ही लोग धन्य हैं जो अपने साथ में दूसरों का भी कल्याण कर दें, ऐसा हमारे पूज्य गुरुदेव का कहना है। इसलिए और हमको बाकी का धन इत्यादि का लोभ हटाते हुए एक लोभ और बतलाया है गुरुजी ने कि षष्ठांश, यदि कोई व्यक्ति किसी के बतलाने पर कोई धर्म आचरण करता है तो उस धर्म में किए गए आचरण का छठा हिस्सा उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो उनको प्रेरित करता है। तो ये भी लाभ आपको मिलेगा, हम लोग ये लाभ ले रहे हैं कि लोगों को धर्म की बातें बतला करके उनको अग्रसर करते हैं, जो लोग भी जिस अंश में जितना भी परिपालन करते हैं तो उसका अंश हम लोगों को मिलता है। आप लोग भी इस माध्यम से लोगों को जोड़ेंगे तो आप भी इस अंश के भागी होंगे।